I'm very happy to see more than 50 people physically present here, more than that on the virtual platforms. और आज हम 70 से ज़्यादा समझौते करने जा रहे हैं. सर, ये समझौते अपने लिए नॉन फाइनेंशियल है कि हमें सरकार की तरफ से पैसा नहीं खर्च करना, बट आई एम श्योर कि जिनके साथ भी समझौते होंगे वो आगे बढ़ेंगे हमारे समझौते के कारण. हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन होगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का वैलिडेशन होगा, आपको CSR फंडिंग या VC फंडिंग मिलने में, या कुछ सरकारी संस्थाएं हैं उनको सरकार की तरफ से फंडिंग मिलने में पक्का से बहुत फ़ायदा होगा. हमारा एक्सपीरियंस पिछले एक साल का वही रहा है. सर, आज कुछ जैसे कंपनीज हैं, वॉल्वो है, बाकी हैं, ये कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने पहल किया है कि प्राइवेट क्षेत्र होने के बावजूद भी वो दिव्यांग लोगों को एक चांस देंगे. और चांस, और सर हमारा इनसे यही रहता है कि पहला बार चांस दो, पर उसके बाद चैरिटी लेवल से आपको करने की जरूरत नहीं. हमारे दिव्यांग लोगों को ट्राई करो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये दूसरों से भी अच्छा काम करते हैं और आप अपने आप ही ज़्यादा लोगे. और सर, अभी तक के एक्सपीरियंस यही रहा है प्राइवेट सेक्टर का, चाहे वॉल्वो हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, सभी ने यही फीडबैक दिया है कि शुरू में हम डरते थे, दो चार को चांस दिया, पर जब उन्होंने अच्छा काम किया तो अभी हम और सैकड़ों युवक और युवतियों को चांस दे रहे हैं. सर, आप सीरीज़ में देखेंगे सभी वही लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, या अपनी कंपनियों में जॉब्स को बढ़ावा दे रहे हैं. कुछ सर फिर हैं शैक्षणिक जो बढ़ावा करेंगे, कोई सर डेफ लोगों को इंग्लिश सिखाने में आगे आ रहा है, कोई बाकी चीज़ें सिखाने में आगे आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे हैं सर. सर फिर कुछ हार्डवेयर ओरिएंटेड हैं, जैसे जापान का इंस्टाल एम्बेसर, वो 3D सॉकेट्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो नॉन फाइनेंशियल हम एग्रीमेंट कर रहे हैं. CDAC वगैरह के साथ सर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कि बेटर हियरिंग एड कैसे बनाई जाए. सो सर, आपने मायो इलेक्ट्रिक हैंड्स भी देखा जब राष्ट्रपति मैडम आई थी IPH में, तो कुछ समझौते सर उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हैं. कुछ हैं सर से अमर सेवा संगम के हैं, बाकी लोग हैं सर ये डायग्नोस्टिक्स में, कि हम बाहर के देशों के डायग्नोस्टिक टूल्स पे क्यों भरोसा करें, हम क्या इंडिया में नहीं बना सकते क्या? तो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं सर, ये हैं एक्सचेंज है, वो SLD के बच्चों के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स बना रहा है, डिसलेक्सी के लिए, बाकियों के लिए, तो डायग्नोस्टिक टूल्स वाले काफ़ी हैं. सर आज 4-5 संस्थाएँ ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, जैसे इन्फी हील है, उन्होंने सर चैटबॉट बनाया है कि मेंटल हेल्थ पे आप बातचीत कर सको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, अपने व्हाट्सएप टाइप एक ऐप पे ही, तो वो आपको गाइड करता रहता है और उससे भी मदद मिल जाती है, या फिर आपको डॉक्टर के नाम भी बता देगा आपके मोहल्ले में, आपके आसपास वाले में. इसका PM साहब ने मन की बात में भी जिक्र किया था. फिर सर इंडिया साइनिंग हैंड्स है, UP से. आज सर अपन डेफ कम्युनिटी के लिए पहले थोड़ा एक तरह से अपना बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं था, तो अभी पिछले एक साल में अपना डेफ कम्युनिटी के प्रति भी बहुत सर हमने चीज़ें की हैं. तो आज 3-4 संस्थाएँ सर उसकी हैं. इंडिया साइनिंग हैंड्स वालों ने तो सर इन्होंने तो डिज्नी हॉटस्टार के साथ कमर्शियल डील कर लिया है, BCCI के साथ. तो अपने सर जितने IPL मैच हुए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए USA से, तो सब कमेंट्री का सर ये साइन लैंग्वेज में भी कमेंट्री आ रही है. और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग सर अब साइन लैंग्वेज के प्रति उनको देखने को मिला कि साइन लैंग्वेज होती क्या है. सर अपना ब्लाइंडनेस और लो विजन के फील्ड में भी सर हम काफ़ी काम कर रहे हैं. जेवियर्स वाले हैं, नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड है, NBTS नेशनल बुक ट्रस्ट. सर आज नेशनल बुक ट्रस्ट का कहीं भी फेयर होता है तो वो एक कॉर्नर में सर बुक्स फॉर ऑल के नाम से बनाते हैं, जिसमें डेफ बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए, लो विजन बच्चों के लिए बिगर साइज फॉन्ट की और बहुत सारी और EPUB बुक्स, ऑडियो बुक्स, ये सब भी वो वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं. और सर नेशनल बुक ट्रस्ट को तो हमने ये भी बोला है कि कोई भी ब्लाइंड बच्चा, डेफ बच्चा, LV वाला बच्चा आता है, उसको 2 किताबें मुफ्त में दो और बाद में उसका बिलिंग LIMCO को हमारी ADPSSA में कर देना. सर वो भी एक कामयाब एक प्रोजेक्ट चल रहा है. कईयों का सर गेमिफिकेशन का है, जो गेम्स के माध्यम से सर आपको पता चल जाता है कि डिसेबल्ड लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप एक सेंसिटाइज हो जाते हो, या पढ़ाई लिखाई में सर गेमिफिकेशन का बहुत फ़ायदा है. सर IIT Bombay का जैसे जेलो प्रोडक्ट है सर, जो बच्चे थोड़ा नॉन वर्बल होते हैं सर, वो अपने iPad पे अपने मम्मी को बता सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे ये करना है, पिक्चर पे क्लिक करके, जो वैसे नहीं बोल सकते. सर रोबोटिक्स में 1-2 हैदराबाद बेंगलोर की कंपनीज हैं जो खासकर ऑटिज़म और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए रोबोटिक्स में कई कुछ कर रही हैं. सर उससे देखने को मिला कि बच्चे को पहले दरवाज़ा खोलना नहीं आता था, कि दरवाज़ा खोल के अंदर कैसे घुसो.
तो रोबोट के माध्यम से उसको बच्चे को गेम बना के सिखाया, वो दरवाज़ा खोलना सीख गया कैसे उसको करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट जिससे पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आजकल 60 से 70 हम इस तरह के क्लब फुट के, मतलब बहुत से बहुत तरीके के हैं, अपने को डिटेल्स भी पता चलेंगे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु आर साइनिंग MOUs विद अस, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई होप कि इससे आपको स्केल अप करने में मदद मिलेगी। सरकार अच्छी पॉलिसीज़ में हेल्प करती है किसी भी फील्ड में, फिर कंपनीज के साथ, एकेडेमिया के साथ, बाकियों के साथ हाथ मिला के उनकी चीज़ों को स्केल अप करने में भी मदद कर सकती है। कई बार कई लोग कहते हैं सरकार रोड ब्लॉक है, पर हम ये सबको यकीन दिलाना चाहते हैं हम रोड ब्लॉक नहीं है, हम फैसिलिटेटर्स हैं, आपके साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहते हैं और चलेंगे। और आप में से कई कंपनियां बिल्कुल आगे जाके करोड़ों का भी धंधा करें, बढ़ें, स्टार्टअप मेक इन इंडिया करें, तो ऐसी भी मेरी सबको शुभेच्छा, एंड बिल्कुल हाथ मिला के काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब शुरू करते हैं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। विभाग ने PM दक्ष DPWD वेब पोर्टल के तहत दिव्यांगजन रोजगार सेतु विकसित किया है, जिसे दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों की आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। तदनुसार विभाग ने पहले ही 15 नियुक्ताओं और नौकरी एग्रीमेंट्स के साथ सहयोग किया, जिन्होंने सितंबर 2023 से PM दक्ष दिव्यांगजन रोजगार सेतु पर 9,000 से अधिक रिक्तियां पोस्ट की हैं। इस पहल का विस्तार करते हुए विभाग ने 7 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों को अब अंतिम रूप दे दिया है। हम विभाग के प्रतिनिधि श्री किशोर जी सुरवाड़े जी, उप महानिदेशक जी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया समझौता ज्ञापन के लिए आगे आए तथा PM दक्ष रोजगार सेतु के तहत समझौता ज्ञापन श्रेणी में सर्वप्रथम हम आमंत्रण देंगे वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी जो दिव्यांगजन को रोजगार के अवसर प्रदान कर समावेशी रोजगार का नेतृत्व कर रही है। वॉल्वो ग्रुप इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती राधिका नायर, भारत क्षेत्र के लोगों और संस्कृति के प्रमुख को MOU हस्ताक्षर समारोह के लिए मैं आगे आने का अनुरोध करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। आमंत्रण देते हैं सारथी CRM प्राइवेट लिमिटेड, भारत के अग्रणी संगठनों में से एक, जो दिव्यांगजन और नियोक्ताओं के बीच कौशल की खाई को पाट कर रोजगार के भविष्य में क्रांति ला रहा है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती ऋचा बंसल, संस्थापक और CEO, और श्रीमती श्रुति पुष्करना, साझेदारी निदेशक भी यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य है दिव्यांग करियर भारतीय विकास संस्थान से 2 बार राष्ट्र पुरस्कार विजेता डॉक्टर योगेश दुबे जी, जिनके द्वारा स्थापित भारतीय विकास संस्थान ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को एकत्रित करने के लिए दिव्यांग करियर वेब पोर्टल का विकास किया। चेक शर्ट आप थोड़ा सा पीछे करो। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं जोमेटो लिमिटेड से, अपने नाम में नवाचार। जोमेटो लिमिटेड ने न केवल हमारे भोजन के ऑर्डर करने के तरीके में बदलाव किया, बल्कि दिव्यांगजन के लिए अवसर पैदा करके खुद को समावेशी भी बनाया है। मैं श्रीमती जसकिरण बेदी, प्रमुख सार्वजनिक नीति, और सुश्री लीना सिंह, लीड प्रोजेक्ट जी जोमेटो इक्विटेबल एक्शन कोऑर्डिनेटर को यहाँ आमंत्रित कर रही हूं। सर, ये व्हीलचेयर वालों को बहुत को 500 से ऊपर को सर ये डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स बना चुके हैं 20 शहरों में, और सर 2000 तक ये पहुंच जाएंगे एक साल में। अब 600 हो गए, बिल्कुल 600 हो गए, बहुत ही अच्छा। वो न्यू मोशन वाला व्हीलचेयर पे वो स्कूटी नहीं, एक बार तो पार्लियामेंट में बुलाया था ना सर, प्रीवियस लोकसभा में। आमंत्रण देते हैं सायरा पीपल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को, एक ऐसा मंच जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को नौकरी के अवसर प्रदान करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कार्यबल में फिर से प्रवेश करने की इच्छुक महिलाएं शामिल हैं। आज इनके प्रतिनिधि श्री कार्तिक गणेशी, हेड ऑफ पार्टनरशिप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कृपया MOU
ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से ऑनलाइन रूप से हमारे सम्मुख यहाँ माननीय मंत्री महोदय जी के सम्मुख रखें, बाद में उनका फोटो फोटोशॉप कर देंगे इनके साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आमंत्रण देना चाहेंगे कंसेंट्रिक्स दर्ज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बैंकिंग और वित्त उद्योग को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता रखती है। कंसेंट्रिक्स ने पूरे भारत में 500 से अधिक पीडब्ल्यूडीज को रोजगार प्रदान किया है और खुद को अधिक समावेशी बनाना इनका उद्देश्य है। कंसेंट्रिक्स का प्रतिनिधित्व कर रही है मिस अनुपमा सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स इंडिया, और हमारे साथ यहाँ है मिस मालविका सिंगल, मिस नवनीत कौर भी। और इस श्रेणी में अब हम आमंत्रण देना चाहेंगे आई4 कंसल्टिंग से, एक टैलेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर है जिनका उद्देश्य भारत में मानव संसाधन ब्लूप्रिंट की पुनर्कल्पना करना है। आई4 कंसल्टिंग से हमारे साथ हैं सुश्री तुलिका जलोटा सिंह, निदेशक और सह संस्थापक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सरिदे आभार प्रकट करना चाहेंगे श्री किशोर बी सुरवाड़े जी का एवं श्री राजेश अग्रवाल जी का, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब इसी क्रम में हम रुख करते हैं हमारे राष्ट्र संस्थान एवं सीआरसी की ओर। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली और सीआरसी लखनऊ के तहत 7 समझौता ज्ञापन किए जाएंगे। संस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं निदेशक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, तथा सर्वप्रथम मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि को जो कृत्रिम पैर, जूते एवं अन्य ऑर्थोटिक उपकरण के डिजाइन और सामग्री के क्षेत्र में अनुसंधान, संकाय विकास और शैक्षणिक सहयोग में अपना सहयोग अग्रसर करेंगे। अरे भाई, तालियां जोरदार बजना चाहिए, 7 एमओयू हैं। धन्यवाद सर। आमंत्रण देना चाहेंगे क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के प्रतिनिधि को जो क्लब फुट की शीघ्र पहचान और उसके प्रबंधन के लिए अपना योगदान साझा करेंगे। आमंत्रण देना चाहेंगे P&O इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि जो डायबिटिक मधुमेह फुटवेयर केयर के क्षेत्र में सेवाएं और अनुसंधान के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सर साथ में भी रिसर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल हैंड, अच्छा बायोनिक्स AI भी आ गया सर, AI के साथ करेंगे। सर मैंने बहुत कम कर दिया, इंडिया में बनने लगा, मेरे यहीं बनेगा। बधाई आपको, बधाई। धन्यवाद सर। बुलाना चाहेंगे इंस्टालिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव को जो ऑर्थोसिस के 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में छात्र प्रशिक्षण और संकाय विकास में अपना सहयोग देंगे। सर ये जापान की कंपनी है, इन्होंने जयपुर फुट के साथ भी किया सर, और फिलीपींस में भी काम किया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अब आमंत्रण देना चाहेंगे इंडोलाइट इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि को, ये क्लिनिकल प्रशिक्षण और एकेडमिक सहयोग विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक के क्षेत्र में अपना सहयोग PDU NIPTD के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम CRC लखनऊ की ओर रुख करते हैं। मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी निदेशक CRC लखनऊ श्री हिमांशु जी को जो हमारे साथ इस मंच पर आज वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। इनके साथ समझौता ज्ञापन के लिए सर्वप्रथम है क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के प्रतिनिधि जो जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण के साथ साथ बच्चों के क्लिनिक और क्लब फुट क्लिनिक की स्थापना के लिए IPH एवं CRC लखनऊ के साथ आज समझौता ज्ञापन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर है समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब आमंत्रण देंगे नई दिशा के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो अभिभावक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपना सहयोग साझा करेंगे। आपका MOU वहाँ है। नई दिशा के प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ भौतिक रूप से है, MOU आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा जी को। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद के निदेशक डॉक्टर बी वी राम कुमार जी को, जिनके तहत 8 समझौता ज्ञापन आज यहां हस्ताक्षरित होंगे। सर्वप्रथम आमंत्रण देंगे सूर्योदय ट्रस्ट अंधेरी ईस्ट मुंबई के प्रतिनिधि को, जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अनुकूलित व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि IP का डिजिटलाइजेशन के लिए अपना सहयोग साझा करेंगे। धन्यवाद सर। आमंत्रण देना चाहेंगे ब्लिंक रिसर्च एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड BRC नुंगमबक्कम चेन्नई के प्रतिनिधि को, जो BRS डी लर्नर्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया है, जो प्रारंभिक पहचान जागरूकता सृजन के माध्यम से SLD के बच्चों में एक विशेष बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। मंच पर आमंत्रित करते हैं चेंजिंग फाउंडेशन फोर्ट मुंबई के प्रतिनिधि, SLD वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान उन्होंने विकसित किया है, जिसका सहयोग निकट को प्राप्त होगा। कि सर, स्कूलों में भी सर्वे कर रहे हैं तो काफी बच्चे निकलते हैं डिस्लेक्सिया डिसकैल्कुलिया। धन्यवाद मैम। आमंत्रण देना चाहेंगे इन्फी हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र के प्रतिनिधि, इन्फी हील वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। धन्यवाद मैम। आमंत्रित करते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडा के प्रतिनिधियों को, सीडा तथा निफ्ट के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए ई साध्य बनाया गया है, जो मानसिक मंदता और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक अनुकूल और सुगम्य ई लर्निंग फ्रेमवर्क है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आमंत्रण देना चाहेंगे कॉग्निटिव बॉटिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के प्रतिनिधि को, Cognitive Botics Private Limited का द्वारा विकसित एक ऑनलाइन ऐसा एप्लीकेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन में अपना योगदान देता है और न्यूरो डाइवर्स कंडीशन वाले बच्चों की पहचान करने में मदद करता है। बुलाना चाहेंगे जेलो बेसिक मुंबई के प्रतिनिधि को, जेलो समाधान संचार संबंधी कठिनाइयों वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। सर, आईडी के बच्चों के लिए वो फोटो से करके अपने माँ बाप को बता देते हैं या टीचर को बता देते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। प्रोफेसर साहब अभी IIT बॉम्बे से अभी रिटायर हुआ है। और अब आमंत्रण देना चाहेंगे अमर सेवा संगम तमिलनाडु के प्रतिनिधि को, एनेबलिंग इंक्लूजन ऐप जो न्यूरो विकासात्मक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए स्क्रीनिंग प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए केस मैनेजमेंट टूल के रूप में बहुत। मेरे साथ भी सर फोटो चाहते हैं, मैं भी एक मिनट आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम आमंत्रण देना चाहेंगे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC नई दिल्ली के तहत 5 समझौता ज्ञापन को रूप देने के लिए उनके डायरेक्टर श्री होना रेड्डी जी को मंच पर आमंत्रण करना चाहूंगी। साथ ही निवेदन है डिप्टी डायरेक्टर श्री संजय कुमार जी से कि वे भी यहां मंच पर आए, तथा आभार संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव जी का कि वे भी इस समय मंच पर हैं। सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे एनेबल इंडिया के प्रतिनिधि, बधिर दुभाषिया प्रशिक्षण आयोजित करना और उसके लिए मॉड्यूल का विकास तथा साइन लर्न ऐप का विकास करना इनका उद्देश्य है, जिसके माध्यम से ISLRTC को बहुत ही आगे फायदा मिलेगा।
बुलाना चाहेंगे इंडियन साइनिंग हैंड्स के प्रतिनिधि, जिनका उद्देश्य है सुगम में ISL वीडियो बनाने और इसके प्रसार के लिए इंडियन साइनिंग हैंड्स के साथ समझौता ज्ञापन आज यहाँ हो रहा है। थैंक यू सर। और इसमें केजरीवाल साहब बहुत ही एक्टिव है, खुद ही कांट हियर। इन्होंने सिर्फ मुंबई के बहुत एक्टरों को और उनको भी बता दिया, वो भी इनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बुलाना चाहेंगे JNU के लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल के प्रतिनिधि, जिनका उद्देश्य है अंग्रेजी शिक्षकों की क्षमता निर्माण और अन्य संकाय विनिमय कार्यक्रम के लिए ILC JNU के साथ आज यहां समझौता ज्ञापन हो रहा है। इसी क्रम में अब आमंत्रित करना चाहेंगे जेफ एनेबल फाउंडेशन के प्रतिनिधि को यहां मंच पर। संकाय विनिमय कार्यक्रम और संयुक्त रूप से विभिन्न ISL प्रशिक्षणों की योजना बनाने के लिए जेफ एनेबल फाउंडेशन हैदराबाद के साथ यहां समझौता ज्ञापन किया जा रहा है। हमारे साथ आज यहां वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। आपको समझौता ज्ञापन के लिए बहुत बहुत बधाई। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं समझौता ज्ञापन। अब आमंत्रण देते हैं यूनिकी हैदराबाद के प्रतिनिधियों को, जो ISL RTC इंफोसिस फाउंडेशन के सहयोग से यूनिकी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेगा। यूनिकी के प्रतिनिधि हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनको। आप सभी को बहुत बहुत बधाई तथा सर आपका आभार। यूनिकी के समय NCERT की 6ठी से 12वीं की डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में वीडियो बना के दे रहा है। अब हम यहाँ मंच पर निमंत्रण देना चाहेंगे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के निदेशक महोदय श्री मनीष वर्मा जी को। सर्वप्रथम समझौता ज्ञापन हो रहा है जेवियर्स रिसर्च सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज मुंबई, जेवियर्स रिसर्च सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज मुंबई के साथ विशेष रूप से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्य तरीके से स्टेम शिक्षा की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं MOU की कॉपी तथा बहुत बहुत बधाई इस समझौता ज्ञापन के लिए। आमंत्रण देना चाहेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड दिल्ली के प्रतिनिधि को। श्रवण नामक एक इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स IVRS आधारित ऑडियो लाइब्रेरी का विकास किया जा रहा है। सर ये किताबें बना रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे सुन सकते हैं, इवन हाँ। वो लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं जी। इस सुविधा के साथ कोई इंटरनेट या कंप्यूटर या स्मार्टफोन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम रुक करते हैं CRC गोरखपुर की ओर, जिनके तहत 4 समझौता ज्ञापन आज यहाँ किए जाएंगे। हम पुनः आमंत्रण देना चाहेंगे डायरेक्टर श्री जितेंद्र जी को कि वे कृपया CRC गोरखपुर के साथ इस समझौता ज्ञापन अपने समक्ष कराएं। हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं नई दिशा के प्रतिनिधि। निम्नलिखित के सहयोग से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के परिवारों की ये सहायता करेंगे, जैसे कि हेल्पलाइन सेवाएं, निर्देशिका, विभिन्न कार्यशालाएं, हेल्प डेस्क, सहायता समूह एवं परिवार सहायता सेवाएं इसके तहत दी जाएंगी। बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ यहाँ है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई के प्रतिनिधित्व, जिनके सहयोग से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण में शामिल है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ICT आधारित शिक्षा के लिए सहायता, डिजिटल शिक्षा में सहयोग, विभिन्न सॉफ्टवेयर और एप्स का प्रशिक्षण, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन करना तथा टॉकिंग लाइब्रेरी की स्थापना करना भी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई के प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं।
तथा समझौता ज्ञापन की कॉपी भी आप यहाँ दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो उड़ान के प्रतिनिधि, जिनके सहयोग में प्रसारण के माध्यम से जागरूकता सृजन में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नवीनतम दिव्यांगता समाचार, घटनाओं, उपलब्धियों और विशिष्ट सर्वोत्तम प्रयासों का प्रसारण करना भी सक्षम होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एमओयू साइन, एमओयू की कॉपीज यहाँ दर्शाई जा रही है। दानिश अपने आप को कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। दानिश, साथ ही हमारे साथ यहां जुड़े हैं डेमोस्थनीज टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधि, सीआरसी गोरखपुर के लाभार्थियों को वाक संबंधी दिव्यांगताओं को संबोधित करने के लिए स्पीच थेरेपी के लिए स्टेमुराई ऐप तक मुफ्त सुगमता प्रदान की जाएगी। डेमोस्थनीज टेक्नोलॉजीज दिव्यांग बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए आईपी ऐप तक पहुँच प्रदान करने में सहायता देता है। हमारे साथ इनके प्रतिनिधि भी आज यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से समझौता ज्ञापन के लिए सभी अपनी शुभेच्छाएं यहाँ प्रदान करें। और इसी क्रम में सीआरसी जयपुर के तहत 3 समझौता ज्ञापन आज यहाँ किए जा रहे हैं। निदेशक कुमार राजू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सीआरसी जयपुर के साथ जो प्रथम इस श्रेणी में जिन्हें हम बुला रहे हैं वे हैं नई दिशा के प्रतिनिधि, जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी सहायता करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सीआरसी जयपुर के साथ डेमोस्थनीज टेक्नोलॉजीज भी आज यहां समझौता ज्ञापन कर रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए स्पीच थेरेपी के लिए एआई आधारित स्टेमुराई ऐप के पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में तथा असीमित थेरेप्यूटिक्स अवसर प्रदान किए जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साइन एमओयूज की कॉपी, प्रतिनिधि आप देख पा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ यहां जुड़े हैं नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड मुंबई के प्रतिनिधि, जो सीआरसी जयपुर को ब्रेल या बड़े प्रिंट की पाठ्य पुस्तकों, टेक्टाइल, बड़े हुए अक्षरों तथा त्रिआयामी मॉडल जैसे सुलभ प्रारूपों में अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करेंगे। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आईसीटी उपकरणों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। डिजिटल शिक्षा में अपना सहयोग देंगे। डिजिटल लाइब्रेरी सहयोग, जिसे एनएबी वाणी भी कहा जाता है, इन सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सीआरसी जयपुर को वे प्रदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं आभार। मंच पर अब हम निवेदन करना चाहेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर के निदेशक महोदय श्री विनीत सिंगल जी से आग्रह है कि वे कृपया मंच पर आएं, जिनके तहत 2 समझौता ज्ञापन पर आज यहां हस्ताक्षर किए जाएंगे। सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे एक बार पुनः नई दिशा के प्रतिनिधि, जो आज हमारे सम्मुख यहाँ है, जो विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान और वेबिनार और टेलीफोनिक हेल्पलाइन के माध्यम से माता पिता के समूहों तक पहुँचेंगे, उन्हें जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कराने में मदद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। साथ ही आमंत्रित करना चाहेंगे इन्फीहील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड से उपस्थित यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जो वर्कशीट के उपयोग के माध्यम से पहुंचकर मानसिक बीमारी के कम गंभीरता वाले मरीजों के लिए उनके ऐप के निर्देशित मेडिटेशन, ऐप द्वारा निर्देशित मेडिटेशन प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यशालाएं और वेबिनार के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान भी किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मंच पर बुलाना चाहेंगे राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई और इसके सीआरसी कोझिकोड के तहत आज यहाँ 6 समझौता ज्ञापन किए जाएंगे। हम निवेदन करते हैं डायरेक्टर नचिकेता राउत जी से कि वे कृपया मंच पर आएं। और सर्वप्रथम निपमिट चेन्नई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर यहाँ हम करेंगे। बुलाना चाहेंगे
आईआईटी मद्रास सिटी के सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को समझौता ज्ञापन उपयोगकर्ता परीक्षणों में संचालन संयुक्त पाठ्यक्रम अनुसंधान परियोजनाओं और सहायक उपकरणों में विकास पर ये केंद्रित हैं और इनमें संयुक्त परियोजना प्रस्तावों के लिए पेटेंट प्रकाशन और अनुप्रयोगों में सहयोगी प्रयास भी शामिल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आईआईटी मद्रास सिटी के सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन के उपस्थित प्रतिनिधि जो आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से यहाँ जुड़े हैं। सर जी, प्रोफेसर सुजाता बहुत काम कर रहे हैं इस फील्ड में, चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बुलाना चाहेंगे ब्लिंक फाउंडेशन चेन्नई के प्रतिनिधि जो अनुसंधान विश्लेषण अनुसंधान पर सहयोग करने और उन खेलों को विकसित करने के लिए ब्लिंक फाउंडेशन के साथ बहु दिव्यांगता और विशिष्ट अधिगम की दिव्यांगताओं पर डेटा साझा करें जिनका उपयोग ध्वनि विज्ञान और ध्वनि कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आज आपको बहुत बहुत बधाई इस समझौता ज्ञापन के लिए। आमंत्रित करते हैं निमया रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के प्रतिनिधि को यहाँ मंच पर। दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण और पुनर्वास पर सहयोग करना इनका उद्देश्य है। मेट्रॉनिक रोबोटिक उपकरण के माध्यम से ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए साइकोमोटर कौशल का शिक्षण, मेट्रॉनिक्स रोबोट संयंत्रण के माध्यम से ऑटिज्म के बच्चों के लिए अनुकरण कौशल प्रदान करना इनका ध्येय रहेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं निमया रोबोटिक्स के प्रतिनिधि एवं उनके हाथ में साइंड एमओयू की कॉपी। अब हम बुलाना चाहेंगे त्रिनयनी फाउंडेशन त्रिनयनी संगठन की जो रिप्रेजेंटेटिव है। मुख्य उद्देश्यों में एनजीओ त्रिनयनी द्वारा विकसित समावेशी खेलों के लिए फील्ड ट्रायल आयोजित करना है, जागरूकता पुस्तिकाएं बनाना और दिव्यांगता की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेम बनाई है, एक घंटे में आदमी दिव्यांगता के बारे में बहुत चीजें समझ जाता है खेल खेल में। धन्यवाद मैम। अब हम यहाँ बुलाना चाहेंगे क्योर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि को जो विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों के जीवन को बदलने के लिए सहयोगात्मक सेवा वितरण और अन्य गतिविधियों में अपना सहयोग प्रदान करें। क्योर इंडिया फाउंडेशन कोझिकोड के साथ भी कर लिया था। अच्छा, इन्होंने 10 किए हैं क्लब फुट के बच्चों के लिए 10 जगह समझाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आमंत्रण देना चाहेंगे राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता और इसके सीआरसी त्रिपुरा के प्रतिनिधित्व कर रहे डायरेक्टर डॉक्टर ललित नारायण जी को जो आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और आज इस समारोह में 4 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए जाएंगे। सर्वप्रथम क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के प्रतिनिधि के साथ समझौता ज्ञापन किया जा रहा है जो फुट एब्डक्शन ब्रेक CTEB फुट एब्डक्शन ब्रेक CTEB डिसेबिलिटी पर कामयाब होगा। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं P&O इंटरनेशनल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो रोबोटिक और माइक्रो इलेक्ट्रिक हैंड पर अपना सहयोग राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान को प्रदान करेंगे। P&O इंटरनेशनल से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे आज यहाँ मंच पर भौतिक रूप से उपस्थित हैं। साथ ही हमारे मध्य हैं एवोल्यूशन हेल्थ केयर के रिप्रेजेंटेटिव्स जो P&O और सहायक उपकरणों पर अपना सहयोग कोलकाता NILD कोलकाता के साथ साझा करेंगे। आप देख पा रहे हैं मंच पर स्क्रीन पर साइन MOU एक्सचेंज हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। CRC त्रिपुरा के साथ समझौता ज्ञापन किया जा रहा है क्योर इंटरनेशनल इंडिया की ओर से। क्योर इंटरनेशनल इंडिया और CRC त्रिपुरा क्लब फुट क्लिनिक का संचालन करते हैं और क्योर क्लब फुट को चिकित्सा शिक्षा और जागरूकता प्रदान करते हैं। आज इनके बीच समझौता ज्ञापन से क्लब फुट की चिकित्सा में निश्चय ही और सहायता मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं आभार।
अब हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई और अहमदाबाद और छतरपुर में इसके सीआरसी के तहत 17 समझौता ज्ञापन आज यहाँ किए जाएंगे। सर्वप्रथम हेलेन केलर इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हैं। श्रवण दृष्टि बाधित की पहचान एवं हस्तक्षेप में ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। साथ ही उपस्थित हैं रोटरी संस्कार धाम एकेडमी फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के प्रतिनिधि, विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विद्यालय स्तर पर साक्षरता विकास पर ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके साथ चलाया जाएगा। उपस्थित हैं बाल विद्यालय ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग चेन्नई के प्रतिनिधि, सतत पुनर्वास शिक्षा ध्वनि किट पर अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इनके सहयोग से वहां किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं द सोसाइटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द डेफ ब्लाइंड इंडिया नासिक के प्रतिनिधि, जो श्रवण दृष्टि बाधित वाले छात्रों और व्यक्तियों हेतु कक्षा के लिए सहयोग एकत्रित करने में उन्हें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हैं तथा साइंड एमओयू की कॉपीज भी दर्शाई जा रही हैं। साथ ही उपस्थित हैं आत्मन अकादमी ठाणे के प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्ति वहाँ, जो समावेशी शिक्षा पर सतत पुनर्वास शिक्षा और अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में अपना सहयोग देंगे। उपस्थित हैं डेमोनिस्ट टेक्नोलॉजीज नई दिल्ली के प्रतिनिधि, जो ASLP पेशेवरों के लिए स्पीच थेरेपी पर सतत पुनर्वास शिक्षा और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐप द्वारा संचालित करने में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ ही वहां पर मौजूद हैं द स्टीफन हाई स्कूल फॉर द डेफ एंड अफासिक के प्रतिनिधि, जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों को ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराएंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं आभार। अब आमंत्रण देना चाहेंगे अहमदाबाद सीआरसी के तहत 7 समझौता ज्ञापन करने के लिए उनके प्रतिनिधि डायरेक्टर श्री अजीत सिंह जी को। सर्वप्रथम समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया जाएगा नियो मिशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि जी के साथ। नियो मिशन के साथ सीआरसी अहमदाबाद में नेटवर्क स्थापित करना और रियायती दर पर नियो मिशन सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना इनका ध्येय है और जागरूकता शिविर और कार्यशालाएं भी ये आयोजन कराएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। साथ ही वहां मौजूद हैं क्योर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि, क्योर इंडिया और सीआरसी अहमदाबाद क्लब फुट क्लिनिकल्स का संचालन कर रहे हैं और लाभार्थियों को चिकित्सा शिक्षा और जागरूकता भी प्रदान कर रहे हैं। क्योर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वहां मौजूद हैं। इसी श्रेणी में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया जा रहा है इन्फी हिल्स हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडेशन के साथ, जिनकी प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ भौतिक रूप से उपलब्ध हैं। दिव्यांगों और उनकी देखभाल करने वालों को हीलो चैटबॉक्स निशुल्क संस्करण के उपयोग की सुविधा इसके तहत प्रदान की जाएगी। यह स्क्रीनिंग टूल विकसित करने के लिए सीआरसी अहमदाबाद और इनफी ही अनुसंधान अपना सहयोग एक दूसरे को प्रदान करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं टॉर्चशीट के प्रतिनिधि, जो लाभार्थियों को 500 से अधिक सहायक समाधानों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। टॉर्चशीट के प्रतिनिधि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एमओयू हस्ताक्षर हो गए हैं। साथ ही जुड़े हैं विशाल विन फाउंडेशन के प्रतिनिधि, मानव संसाधन छात्रवृत्ति यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति और लाभार्थियों से संबंधित अन्य जिम्मेदारियां प्रदान करने, दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं और मजबूत करने में विशाल विन फाउंडेशन सीआरसी अहमदाबाद को अपना सहयोग प्रदान करेगा।
हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं वर्चुअल माध्यम से सेंस इंटरनेशनल इंडिया के प्रतिनिधि। बहु दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए व्यापक प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट का विकास करने तथा समुदाय में जागरूकता सृजन करना इनका ध्येय है। सेंस इंटरनेशनल इंडिया, डेफ ब्लाइंड के हजारों बच्चों की ये पूरे देश में, तो डेफ भी और ब्लाइंड भी और बोल भी नहीं सकते। और साथ ही यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात एजुकेशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि। व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं रोजगार उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना तथा सीबीआर के माध्यम से अन्य वितरण शिविरों का आयोजन करने में सीआरटी अहमदाबाद को ये अपना सहयोग साझा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं आभार आज यहाँ जुड़ने के लिए। अब हम आमंत्रण देना चाहेंगे सीआरसी छतरपुर के प्रतिनिधि डायरेक्टर श्री राज मणिपाल जी को, जो आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से यहाँ जुड़े हैं। इसके तहत 3 समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। सर्वप्रथम इस श्रेणी में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मुंबई के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सेवाओं को वृद्धि कराना इस एमओयू का उद्देश्य रहेगा। इन्हीं के साथ जुड़े हैं नई दिशा फाउंडेशन के प्रतिनिधि। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नई दिशा से हमारे साथ भौतिक रूप से जुड़े हैं सर, और एमओयू की एक कॉपी यहाँ तथा दूसरी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही उपस्थित हैं क्योर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि, जो सीआरसी छतरपुर के साथ मिलकर क्लब फुट क्लिनिक को संचालित करेंगे और क्लब फुट के इलाज के लिए चिकित्सा और जागरूकता प्रदान करने में अपना योगदान साझा करेंगे। क्योर इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आमंत्रित करना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक और सीआरसी रांची इम्फाल और शिलोंग के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु उनके प्रतिनिधि डायरेक्टर श्री पीपी मोहंती सर को। आज यहाँ 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सर्वप्रथम पीएनडो इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ यह हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। मायो इलेक्ट्रॉनिक एंड अनुसंधान और विकास करना मुख्य उद्देश्य में इनके एमओयू में शामिल है। इसी क्रम में पीएनडो इंटरनेशनल के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर हमारे मध्य उपस्थित हैं। मायो इलेक्ट्रिक एंड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित हैं न्यू मिशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि। सीएसआर के तहत पीडब्ल्यूडी और गैर एडिप लाभार्थियों को सब्सिडी दर पर गतिशीलता संबंधी सहायक यंत्र प्रदान करने में ये अपना सहयोग साझा करेंगे। न्यू मिशन। सीआरसी रांची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं क्योर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि के साथ, जो जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण के लिए क्लब फुट सूचना केंद्र के विकास में अपना योगदान प्रदान करेंगे। क्योर इंडिया के प्रतिनिधित्व यदि यहाँ उपस्थित हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। सीआरसी रांची के साथ नई दिशा आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है। हम आपको पुनः मंच पर आमंत्रण देते हैं सर। हितधारकों की क्षमता निर्माण, अभिभावक सशक्तिकरण, अभिभावक हेल्पलाइन और राष्ट्रीय निर्देशिका का निर्माण करना इनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। सीआरसी इम्फाल के साथ आज समझौता ज्ञापन क्योर इंडिया के मध्य किया जा रहा है। जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण के साथ बच्चों के क्लिनिकल और क्लब फुट क्लिनिक की स्थापना करने में ये अपना सहयोग साझा करेंगे। आप स्क्रीन पर साइन एमओयू कॉपीज देख पा रहे हैं। इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए क्योर इंडिया सीआरसी शिलोंग के साथ भी समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्लब फुट की ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक्स तथा उस पे आगे संसाधन के लिए अपनी क्षमताएं अपना सहयोग साझा करेंगे।
तथा सीआरटी शिलोंग के साथ असम राइफल्स, असम राइफल एसोसिएशन सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों दिव्यांगजनों के साथ उनके दिव्यांग आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण विकास सेवाएं प्रदान करने में अपना सहयोग साझा करेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, सबका साथ सबका विकास विकसित भारत के मूल मंत्र को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से बड़ी ही निष्ठा से जोड़ते हैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी। हमारा माननीय मंत्री महोदय जी से विनम्र आग्रह रहेगा कि वे कृपया सबका मार्गदर्शन करें। हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सम्मानीय कैबिनेट मंत्री जी और दिव्यांगजन विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, और आज लगभग 70 समझौते यहाँ पर हुए हैं, ऐसे इस हॉल में बैठे हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कहा जाता है कि नर से नारायण, लेकिन ये दिव्यांगजन मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी सेवा का भाव का व्रत लेकर हम काम करें। जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हों, इस क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लोग मैं देखता हूँ कि वो अपने स्तर से करते हैं, कुछ संस्थाओं के माध्यम से करते हैं, कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी दो कार्यक्रम मुझे जाने का अवसर मिला है। अभी कुछ दिनों पहले भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम था, और दूसरा कार्यक्रम मेरा यूपी होम डिस्ट्रिक्ट बदायूं, जो हमने मेला लगाने का काम किया था, जिसमें 791 ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन जो एक जनपद से ही हमारी एलमको टीम ने चिन्हित किए, और उसमें मैंने देखा कि 150 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, 493 ट्राई साइकिल, स्मार्टफोन से लेकर आधुनिक काल की मशीन से लेकर, तो एक एक व्यक्ति को जब हम देखेंगे कि उसके जीवन को कितना सरल और सुगम बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप सब जो इतने इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में जो समझौता ज्ञापन हमारा हुआ है, और मुझे लगता है कि केवल ये समझौता ज्ञापन पेपर्स में नहीं, हमने दिल से उतार कर और एक प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम इसको 100% पूरा करने का काम करें, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं। तब मैं आप सब लोगों के बीच में यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के इस मंत्रालय का, इस विभाग का जो विजन है उसको पूरा करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस विभाग को ही नहीं दिव्यांगजनों के प्रति उनकी किस प्रकार की संवेदनाएं, किस प्रकार की सम्मान की भावनाएं, जो हम जानते हैं कि 2016 से पहले ये दिव्यांगजन शब्द नहीं था, तो उनको सम्मान देने के लिए सम्मान की अनुभूति उनको कैसे झलके, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और उनके जीवन को केवल सरल और सुगम ही नहीं बनाएंगे, चाहे वो शैक्षिक दिशा हो, चाहे उनको कौशल प्रशिक्षण की बात हो, या हम जिस माध्यम से उनको सशक्त बनाकर, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो 140 करोड़ लोगों के लिए अपना परिवार कहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देश के 140 करोड़ लोग
जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये करोड़ों की संख्या में दिव्यांग भाई बहन, इनको भी हम साथ लेकर क्यों ना हमारे साथ चलें। और जैसा कि अभी देखने में आया कि जब हम जब तक इनकी अच्छाइयों से जिनकी जो विशेषताएं हैं उसे परिचित नहीं होते हैं तब तो लगता है, लेकिन जब अपने साथ जोड़ते हैं तो लगता है कि ये दिव्यांग किसी से कम नहीं। कई बार तो हम जन सामान्य से भी आगे बढ़ चढ़ कर काम लेते हैं करते हैं। और मैंने सांस्कृतिक जो माध्यम कार्यक्रम देखे थे, 100 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे, सच में मैं तो बहुत ही भावुक था। 2-3 दिन तक मैं सोचता रहा जिनका एक पैर नहीं हाथ नहीं, जिनके दो पैर दोनों हाथों से, जिस तरह से लेकिन जो अपने कला का मंचन मंच के माध्यम से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों से जन सामान्य को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब दिव्यांगजन ये कर सकते हैं कि जन सामान्य क्यों नहीं कर सकता, तो हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए मिलकर के साथ देंगे, काम करेंगे। और द्वारा समझौता ज्ञापन हुआ है इसे हम शत प्रतिशत जिस भाव और भावना से हमने किया है इसे पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से आपने हम सभी का मनोबल बढ़ाया। हम आशा करेंगे भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। देवी और सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य कि माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने आज इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर हमें उपकृत किया है। दिव्यांगजनों की सभी जरूरतों के प्रति आपकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता हम सभी को उनके सशक्तिकरण और समावेशीकरण की ओर तत्परता से कार्यरत रहने के लिए प्रेरित करती है। हमारा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आज के इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी राज्य मंत्री सम्मानी बीएल वर्मा जी, हमारे विभाग के सचिव माननीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे सह सचिव महोदय, बाकी हमारे अधिकारीगण और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट से आए हुए सभी अधिकारीगण, सीआरसी के अधिकारीगण, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मित्रगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देशभर के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए, दिव्यांगता के क्षेत्र में अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदरणीय सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज का ये कार्यक्रम, जब इस कार्यक्रम की रचना की जा रही थी तब मुझे भी इतना स्पष्ट नहीं था कि यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है यह समाज में एक बहुत बड़ा आने वाले समय में व्यापक बदलाव लाने वाला है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर नए कदम उठा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसमें दिव्यांगता की श्रेणियों को भी 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। दिव्यांगजनों के स्किल ट्रेनिंग, उनके कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ आज मैं देख रहा था कि जब जिन संस्थाओं के साथ में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में MOU किया जा रहा था, वो सभी के सभी उनके मन में भावना थी दिव्यांगजनों का, उनके रोजगार सृजन, उनकी क्षमताओं का निर्माण, उनका शिक्षण प्रशिक्षण, इस दिशा में निरंतर जो अब प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे अग्रवाल जी ने जब कहा, हमारे एक बंधु हाथ बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कीमत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा हमने कम कर दी है। ये
उसको व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि उसको दिल के साथ में जोड़ा, और उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए उनकी दैनंदिन गतिविधियों को सरल बनाने के लिए न केवल इस तरह के हाथ की रचना की, बल्कि हम अपने ही देश में उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं, हमारी जो स्वदेश की आत्मनिर्भरता की जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है कि बजाय बाहर के ऊपर निर्भरता के हम अपने ही देश में क्यों नहीं दिव्यांगजनों की आवश्यकता के लिए और सामान का निर्माण हमारे यहाँ ही किया जाए। मैं जब यहाँ आकर बैठकर मैंने देखा कि एक तरफ तो हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के CRC के सारे अधिकारीगण हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि गैर सरकारी संगठनों से और NGO के माध्यम से अपने अपने संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कैसे दिव्यांगजनों को उनको सशक्त बनाया जाए उस दिशा में काम करने वाले विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है, भौतिक रूप से भी हो रहा है और वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा है। आप अभी सभी अपने अपने क्षेत्र में इतने प्रभावी ढंग से, अब हमने देखा कि बेदी बहन जी Zomato के माध्यम से लगभग 600 लोगों को रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे सुरवड़े जी ने सूची बताई, लगभग 1200 दिव्यांगजनों के उनके रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाने वाला प्रयास आप सबके द्वारा किया जा रहा है, जो कि इनमें से हमारे कई हमारे भाइयों बहनों के द्वारा और इसमें दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए भी जा चुके हैं। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि केवल शासकीय प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से या राज्य सरकारों के प्रयासों से अकेला दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का, उनका रोजगार सृजन का, क्षमता निर्माण का कार्य नहीं हो सकता, जब तक कि इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का और इस दिशा में केवल काम करने की भावना नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से, वो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वो नीडी पर्सन हैं, वो नीडी बच्चे हैं जिनको हमारे, मैं सहानुभूति शब्द नहीं का उपयोग करता, हमारे सहानुभूति की नहीं बल्कि हमारे सद प्रयासों की आवश्यकता है, हमारे प्रयासों को गति देकर उनको जीवन में आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की तरफ उनके कदम बढ़ाने में, उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और आप सभी के द्वारा इस दिशा में बहुत प्रभावी ढंग से जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और उनका सशक्तिकरण के लिए जो भी काम आपके संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, वास्तव में चाहे पुणे की बात हो, चाहे बेंगलोर की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, अनेक स्थानों से आप सभी का आना हुआ है, सिकंदराबाद की बात हो, हैदराबाद की बात हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग वहाँ पर अपने लोकसभा सत्र के बाद देश के कई अंचलों में जाने का अवसर हम लोगों को मिलता रहता है, तो आगे जब मैं कभी जब उस क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं अपनी ओर से ये प्रयास करूँगा कि आपके संगठनों के द्वारा जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं उन गतिविधियों का आपके संगठन पर के स्थल पर आकर और आपके साथ उन सारी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए, जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने कहा, सबसे आत्मिक प्रसन्नता की बात तो ये है कि यह जो MOU हो रहा है, इस MOU में सरकार अपनी ओर से कोई आपको आर्थिक मदद नहीं करने जा रही, लेकिन आपके प्रयासों को आगे बढ़ाने में जहाँ भी शासकीय सहयोग की आवश्यकता होगी, मंत्रालय, हमारा विभाग हमेशा आपके साथ में खड़े रहेगा, क्योंकि हम तो थोड़ा कर पाएंगे लेकिन जब उन हमारे बढ़ते हुए कदमों में आपका सहयोग जुड़ जाएगा, दो कदम हम चलेंगे, दो कदम आप चलेंगे, तो जब हम बढ़कर जब चार कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सपना लेकर चल रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर चल रहे हैं, उसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात की जाती है तो उन सभी के सामूहिक प्रयासों में हमारे समाज के दिव्यांगजन भी आते हैं, उन दिव्यांगजनों को एक वो या उनके जीवन में उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए वो अपने परिवार के में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, समाज के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, देश के निर्माण में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके प्रयासों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। और यह आज का यह समझौता ज्ञापन कार्यक्रम 70 संगठनों के साथ में, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम इसके पहले हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया। आज
सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर 70 संगठनों के साथ में जो समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से, कीमती समय में से समय निकाल कर, कितने कितने दूर से चलकर आप लोग आए हैं। कार्यक्रम एक घंटे डेढ़ घंटे का, लेकिन उस एक डेढ़ घंटे के कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच में से कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें भारत सरकार के साथ में, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ में हम अपने प्रयासों को जोड़ने जा रहे हैं। हम उनके कदमों के साथ में अपने कदमों को मिलाने के जा रहे हैं। भारत सरकार इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए, नवाचार के लिए हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है। और मैं देख रहा था कि आप सबने जिस तरह से जब वो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन के लिए जब आपका उद्बोधन में उल्लेख किया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा था, हमारे कार्यक्रम की जो संचालिका बहन है वो आपकी सारी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताती जा रही थी, तो मन में बड़ा प्रसन्नता हो रहा था कि आपके आविष्कार, आपके नए विचारों को और हमारे इस प्रयासों के साथ में जुड़ने से आने वाले समय में हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जिस गतिशीलता के साथ में काम कर रहा है उसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आप सबके प्रयास, हमारे प्रयासों के साथ जुड़ जाने से और एक आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विभिन्न संगठनों को मंच देने का काम, विभिन्न संगठनों का साथ लेने का काम इस समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। और पिछले दिनों अप्रैल और मई माह में एक पर्पल टॉक का आयोजन हमारे द्वारा किया गया था, उसकी एक श्रृंखला की गई थी जिसमें नई तकनीकों के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें दिव्यांगजनों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने जाने के लिए किस तरह से गतिविधियों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज का समय ऐसा है, आज के समय में विशेष रूप से हमारा युवा, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आने वाले हमारे बंधु हैं उसमें हमारे युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है, और युवाओं के मन में निरंतर नए विचार आते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में वो सोचते रहते हैं, उन प्रोजेक्ट के माध्यम से, उन चीज़ों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, न केवल उनके संगठन से समाज को, हमारे दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अवसर मिलता है, बल्कि आपके लघु प्रयास जब इस तरह के उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध होता है तो आपके लघु प्रयासों को सारा न केवल देश जानने का अवसर उपलब्ध होता है, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी आपकी उपकरण के बारे में, आपकी गतिविधियों के बारे में दूर दूर तक पहुँचाए जाने में मंत्रालय अपने प्रयासों के माध्यम से, हम अब हमारा एलिम्को है, एलिम्को पहले केवल देश में ही अपने द्वारा निर्मित सामग्री को और पहुंचाने का काम करता था दिव्यांगजनों को। हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं एडिप योजना के अंतर्गत, उस एडिप योजना के माध्यम से सहायक उपकरणों का वितरण करने का कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन जब उसके एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया उसमें लगभग 334 करोड़ रुपये की लागत से उसकी सारी मशीनों को बदलने का काम किया गया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वदेश में निर्मित, तो आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कानपुर का जो हमारा एलिम्को इंस्टीट्यूट है, PSU है, उसमें 95% मशीनें हमारे देश में बनी हुई हैं, राजकोट में या मुंबई में बनी हुई हैं, एक आध दो मशीनें ही हैं जो बाहर से आई हैं, बाकी सारी की सारी मशीनें हमारे देश में, स्वदेश में निर्मित मशीनें हैं। हमारे देश में निर्मित, अब हमारे उस एलिम्को के संस्थान की उत्पादन क्षमता में भी परिवर्तन आया, गुणात्मक भी आया और उसमें संख्यात्मक भी आया। अब हम अपने देश के साथ साथ बाहर भी भेजने की दिशा में, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो सामग्री निर्मित होती थी आज से 10 साल पहले, मतलब जो सामग्री बनती थी 8 साल पहले जो सामग्री बनती थी, आज 10 साल के बाद वहाँ से निर्मित होने वाले सहायक उपकरणों की गुणवत्ता देखने के लिए लायक होती है। पहले आप देखते थे कि हमारे एलिम्को के द्वारा जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण होता था वो बहुत सामान्य रहते थे, वही ब्लैक कलर, ब्राउन कलर। अब जब उन कलरों के साथ में दिव्यांगजनों को वितरण होता था, मैं जब पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में पहली बार जब मैं एलिम्को का विजिट करने के लिए गया तो मैंने कहा ये कलर बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमने कहा जीवंतता लाने वाले कलर हमारे दिव्यांगजनों को, जो सहायक उपकरणों का वितरण होता है, जीवंतता लाने वाले कलरों का उपयोग होना चाहिए। और उसमें आज
वहाँ पर हम देखते हैं ग्रे कलर का उपयोग भी हो रहा है, येलो कलर का भी उपयोग हो रहा है, उसमें ब्लू कलर का भी उपयोग हो रहा है, रेड कलर का भी उपयोग हो रहा है, भगवा कलर का भी उपयोग हो रहा है, ऐसे तरह तरह के कलर का उपयोग होने लगा। आप किसी भी एडिप योजना के अंतर्गत किसी भी दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम में जब आप जाकर देखेंगे तो उन उपकरणों का उपयोग करने वाले दिव्यांगजन भी जो है प्रसन्नता के साथ में बड़े उनको खुशी होती है कि हमको जो सहायक उपकरण मिल रहा है वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी पहले से वो अच्छा बन रहा है। आज इस समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 70 संगठनों के साथ में यह जो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके कदम भारत सरकार के इन प्रयासों के साथ में जुड़ जाने से आने वाले समय में हम और आप मिलकर के दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में उनको बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी क्षमता निर्माण की दिशा में, उनके रोजगार सृजन की दिशा में, उनके स्किल ट्रेनिंग की दिशा में सारे प्रयासों में आप सबका साथ भी मिलेगा, आप सबका विश्वास भी मिलेगा, आपका सहयोग भी मिलेगा। और ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में एक बार पुनः आप सभी का मैं अपनी ओर से, मैं अपने साथी राज्य मंत्री जी की ओर से, विभाग के हमारे सभी अधिकारियों की ओर से कि आप सबने हमारी जो यह शुरुआत हुई उस शुरुआत में और हमारी ओर से जो पहल हुई मंत्रालय के द्वारा की गई पहल में आपने तुरंत उस पर स्वीकृति देके यहाँ आकर और अपना जो समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में अपना समझौता किया है और उस ज्ञापन के माध्यम से यह निश्चित रूप से हम सब के लिए हमारे प्रयासों को आने वाले समय में और भी नई ऊर्जा के साथ में, नए हमारे उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम करने में हमको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।